भाव ऐसे हो कि एक दिन हमने भी ऊपर वाले से दुआ मांगी थी, एक दिन हमने भी ऊपर वाले से दुआ मांगी थी और दुआ में कुछ और नहीं, राजेश जी अपनी मौत मांगी थी। एक दिन हमने भी ऊपर वाले से दुआ मांगी थी, दुआ में कुछ और नहीं अपनी ही मौत मांगी थी। उसने कहा दुआ तेरी कबूल है, उसने कहा दुआ तेरी कबूल है, मैं तुझे मौत दे भी देता, पर उन हजारों को क्या जवाब दूंगा जिन्होंने हर सांस में तेरी जिंदगी की दुआ मांगी थी। तो यहां पर सबके लिए जीना। कल एक प्रसंग चल रहा था, पांच पीढ़ियों के नाम बताओ, कल चल रही थी ऐसी चर्चा कि अपने पांच बुजुर्गों के नाम, दादा पिताजी के पिताजी, बाबा के बाबा, ऐसे कितनी पीढ़ी का नाम आता है। तो मेरे ख्याल से हम असमर्थ हो जाते हैं, अब आप बताइए राम को जाके कितना वर्ष हो गया, श्री कृष्ण भगवान को जाके कितना दिन हो गया, झांसी वाली लक्ष्मी बाई महापुरुषों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनको हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम स्वयं के लिए जीते हैं और ये समाज के लिए जी के गए। अगर समाज के काम आ जाओ तो उससे बड़ा कोई धन्यवाद नहीं। अगर आप समाज के काम नहीं आ सकते हो तो फिर आपका जीवन जलपान के बाद एक यति और सन्यासी। यति आत्मदेव ब्राह्मण कुल से है, ब्राह्मण को मान देना सन्यासी का धर्म है। वेदों में एक जगह लिखा है कि ब्राह्मण प्रसादाम धरनी धरो हम, ये कृष्ण ने कहा है रुक्मिणी से कि ब्राह्मण प्रसादाम धरनी धरो हम, ब्राह्मण प्रसादाम कमलावरो हम, ब्राह्मण प्रसादाम मम कीर्ति निर्मल, ब्राह्मण प्रसादाम मम रामयमरम, ब्राह्मण प्रसादाम धरनी धरो हम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के प्रसाद से मैंने इस धरनी को धारण किया। ब्राह्मण प्रसादाम कमला परोहम, यानी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कमला लक्ष्मी जी से मैंने विवाह किया। ब्राह्मणों के वरद हस्त से ही मेरी कीर्ति यश फैली हुई है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं नहीं मेरा राम भी अमर हो गया। रामायण में भी यही बात आई है कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, आज ये दोनों सन्यासी और विप्र, आत्मदेव विप्र हैं। यति ने सामने देखा और कहा कथम रोदेश विप्रम, कथम रोदेश विप्रम त्वम का तो चिंता बली यसिह, वंदम तो सात्वरे स्वस्य दुखस्य कारणम। आज बोलो गुरु और परमात्मा से। हमारी श्रीमद् भागवत कथा ने तो यह कहा है कि गुरु और परमात्मा से कोई भी बात छिपाई नहीं जाती, गुप्त से गुप्त बात भी शिष्य अपने गुरु को बताता है और गुरु उसके निदान के लिए, समाधान के लिए ईश्वर से कामना प्रार्थना निवेदन वंदन करता है। लेकिन गुरु निष्काम हो, गुरु निष्काम हो, नहीं तो ठाट का गुरु बाट का चला, सांझ पड़ी अकेला अकेला। गुरु ने अगर सोच लिया कि भाई इसका कार्य करेंगे तो लाख दो लाख मिल जाएगा तो इमोशनल ब्लैकमेल होने लगेगा, है ना। गुरु को जिहवा की स्वाद की आवश्यकता नहीं है, गुरु को आपके बड़े चीजों की आवश्यकता नहीं है, गुरु को आपके धन से कोई मतलब नहीं है। गुरु को चाहिए पारदर्शी जीवन
और हरि चरणों में समर्पण। गुरु वो नहीं होता, दान की प्रक्रिया जानते हैं आप? आजकल जो चल रहा है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, बाकी भारत स्वतंत्र है, आप कुछ भी करिए। हमने ऐसे ऐसे महाव्यापारी संतों को देखा है, ऐसे कार्यक्रम चालू होता है, एक असहाय गरीब जिसके घर में रोटी नहीं उसे खड़ा कर देते। महाराज जी की जय। अब वो तो बेचारा भाव में है, खड़ा हो गया, इतने बड़े लोगों में स्वामी जी ने नाम ले लिया, उससे कहा जाता है 15 किलो घी का डब्बा आश्रम में भेज देना, लोग तालियां बजा देते हैं। कल्पना करिए, उसके घर में उसने अपने माँ की दवा नहीं लाई है, उसने अपने बेटी के स्कूल का फीस नहीं भरा है, उसने अपने गैया को चारा नहीं दिया है। अगर आप अपने जिम्मेदारियों से मुकर के दान करते हो तो कायरता है, दान नहीं माना जाता, ऐसा मेरा मानना है। ईश्वर से जिम्मेदारी सीना खोलकर आपने स्वीकारी और मुकर जाए तो संसार है। घर में हो एकांतवास, आराधना ब्रह्म तत्व का हो, यथाशक्ति तथा भक्ति। आपका सबसे पहला कर्म है अपने बच्चों को शिक्षित, संस्कारिक और वेद मर्मज्ञ बनाना, अपने माता पिता की सेवा करना, असहाय गरीबों को भोजन देना, जिन्हें दुनिया ठुकरा दे उसके लिए कुछ कर सको, ये दान है। और अगर आप अपने बच्चे का फीस नहीं भरते हो, माँ को दवा नहीं कराते हो और बाबाओं को दान देते हो तो मैं उसे पाप समझता हूं। स्वामी जी को आप देंगे, क्या करेंगे बताइए? हमसे हमारे चेले बोल देते, अभी यहां आने से पहले अमेरिका से कुछ बच्चों से फोन पे बात हुई, बोले गुरु जी हमें डलवा दें। मैंने बोला क्यों? बोले आपको लग रहा है? मैंने बोले तेरी माँ बीमार है, पहले उसकी दवा करवा ले। मैं बाबा हूं, मैं कहीं भी मांग के खा लूंगा, और नहीं देगा तो उपास रहने की आदत है, 12-13 साल तो कंटिन्यू भोजन करे ही नहीं। और अभी भी आप देख ही रहे हो 18 घंटे की ड्यूटी है, कुछ नहीं। हमें कोई भी दो वक्त की रोटी दे देगा, लेकिन आप जब मांगने जाओगे तो आपका भाई आपके लिए दरवाजा बंद कर देगा। इसलिए संसार सबसे बड़ा आश्रम है, इसमें अपने कर्म को लेकर के चलो, बचे तो दान करो, भाव में बह करके विश्वास करो, अंधविश्वास कभी मत करना, ये मेरा निवेदन है। विश्वास करिए, धर्म के प्रति समर्पण होना आवश्यक है। हमें गर्व है, हम सनातनी है, लेकिन हम अंधविश्वास नहीं कर सकते। यही कारण है कि गीता का महत्व है। क्रांति के क्षेत्र में शांति की बात कही गई, और गीता का प्रचार प्रसार करने वाले राजेश जी स्वयं नारायण, प्रश्नकर्ता साधारण अर्जुन, लेकिन किसी भी प्रश्न को या किसी भी उत्तर को एक बार में स्वीकार नहीं किया गया, तर्क किया गया है। जिज्ञासु बनिए, मीमांसु बनिए, स्वयं को चैतन्य करिए, और दान वही करिए जहां उपयोगी हो। एक आदमी को अगर भोजन कराना है तो उसे पैसे क्यों दे रहे हो? शराब पी लेगा वो, गलत करेंगे? अगर वही पैसा उठा करके ऐसी माताओं को भोजन करा दो जिनके पास कोई नहीं, तो आपकी आवाज यहां से वहां चली गई, यहां तो मीडिया वाले छापेंगे मेहसाना गुजरात में, लेकिन उसके हृदय की आवाज तो वो यात्रा भी करा देगी। ऐसा कर्म करो, ये मेरा निवेदन है। अब देखिए, यति ने निवेदन किया अपने मन की व्यथा बताओ, उन्होंने बताया कि गुरुदेव किम ब्रवीम ऋषे, क्या बताऊं ऋषि, क्या बताऊं गुरुदेव, क्या बताऊं संत। दुखः पूर्व पापेन संचितम्, ये मेरे जीवन का दुख
पूर्व जन्म के पापों से एकत्र हुआ है। मदीहा पूर्व जास्तोयम कवोष्णम अपमुच्यते। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। यहां की भी विलक्षणता सुनिए। सन्यासी ने कहा, देखो आपको प्रजा की प्राप्ति हुई, साम्राज्य की प्राप्ति हुई, राज्य की प्राप्ति हुई, आदि दैविक भौतिक आध्यात्मिक सब चीजों की प्राप्ति हुई, और ऐसे भी चौथापन आ गया है, अब इस संसार को छोड़ दो। संसार को छोड़ दो, हरि भजन करो और वासना छोड़ दो। तो आठ प्रकार के योग है ना, हठ योग, कर्म योग, साधना योग, सिद्धि योग। लेकिन विप्र देवता ने हठ पकड़ लिया कि नहीं, संतते सागरो दुखम वांग पांग पुरा तथा। यति ने कहा, अब आपके जीवन में जब कुछ नहीं है तो अंत के समय में वासना छोड़ दो, हरि भक्ति में आ जाओ, चरण शरण में आ जाओ हरि के, जीवन का आनंद मिल जाएगा। लेकिन आत्मजीव कहते हैं नहीं महाराज, व्यंग, यति पे व्यंग करते हैं। अरे क्या रखा है इस संसार छोड़कर सन्यासी में। उन्होंने कहा कि सन्यासी के जीवन में है क्या, सूनापन, अकेलापन, उदासी, कोई आसपास नहीं, क्या रखा है सन्यास में। सन्यास का मतलब जानते हैं, व्याकरण वाले प्रवक्ता आए होंगे, मैं तो पहली बार गुजरात में आया हूं, मेहसाना की बात क्या कथा के लिए, ऐसे पुराना रिश्ता है, मेरा गुरुधाम गुजरात में ही है, द्वारिका के पास, और मेरे जो दिगंबर गुरु है वो महुआ के पास, भावनगर। संग धन न्यास अस्तु सन्यास। ये सन्यास के दो भावार्थ निकलते हैं, एक वो जिसपे कभी संशय करने लायक जगह ही ना मिले वो सन्यासी होता है, और दूसरा जिसके जीवन में कोई आस ही ना हो वो सन्यास होता है। अक्सर काफी लोग मुझसे चिढ़ जाते हैं, गुरुजी हमको मान नहीं देते, गुरुजी ने हमको बुलाते नहीं, गुरुजी ने मेरे को जय जयकार नहीं करते। ये भगवा ऐसा, ये अग्निवेश कहते हैं, अब है भी ऐसा, ब्राह्मणी का रक्त है शरीर में, पार्थिव ब्राह्मण कुल का है, साधना करी है, नागा सन्यासी है। अच्छा आप बताओ मेरे को, आपसे मैं जो लोग नाराज होते हैं उनके लिए चर्चा करते हैं, घर में बैठे सब, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, किसी के पैर का दर्द, किसी के घुटने का दर्द, किसी के सिर का दर्द, जिन्हें दुनिया छूती नहीं उनको लहनाला धुलाना, एक्सरसाइज कराना, ये काम है मेरा। और आपके यहाँ शिविर में जितनी भीड़ है ना, इतना मेरे यहाँ संन्यास में कुछ नहीं है। हाँ मानते हैं महत्वता है, चौथे आश्रम में अगर देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम को ही महत्व दिया गया है, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। और अगर प्राकृतिक व्यवस्था को देखा जाए तो स्वयं भगवान भी संसारियों के माध्यम से ही आते हैं, तो हम संसारी इस बात को समझे तो भ्रूण हत्या बंद करवा दो ना, बेटा है तो आने दो, बेटी है तो। अगर शक्ति नहीं होती तो शिव होते भैया, देवकी नहीं होती तो कृष्ण होते, कौशल्या नहीं होती तो राम होते। अगर हमारे जन्म देने वाली जननी नहीं होती तो हम होते,
क्या आप किसी मृतक को जिंदा कर सकते हो? और बड़ी बात छोड़िए, आकाश से नीचे आने वाले पत्थर को रोक सकते हो? आने वाले ओले को रोक सकते हो? तो फिर जन्म देने वाले का हत्या करने का पाप कौन भरेगा? हम एक दूसरे के पूरक हैं, नख सिख नाक कान आंख सब दो है ना, एक वृद्ध तो दूसरा शुद्ध है। हम भ्रूण हत्या करते और कहते संसार में सब है। क्यों? उस बच्ची का क्या दोष है जो गर्भ में आ गई है? उसका क्यों क्रिएटिंग होता है? भविष्य में क्या करोगे? आप देखने में छोटी सी, और आप भूल रहे हैं भागवत कथा चल रही है ये, कि छह पुत्रों का हत्या होता है तो कृष्ण का अवतार हो जाता है महाराज। अष्टम भाव में कृष्ण आकर के अवतार ले लेते हैं, और मेरे सर्वे के हिसाब से भारत में हर 14 सेकंड में एक भ्रूण हत्या होती है, तो पाप के भागी हो या नहीं हो? तब एक द्रौपदी की लाज लूटी तो कन्हैया आ गया, अब तो हर घर की व्यवस्थाएं बनी है महाराज। गरीब के कपड़े फट जाए तो भिखारी कहा जाता है, अमीरों के छोटे हो जाए तो फैशन कहा जाता है। यही हमारी संस्कृति। गरीब के कपड़े फट जाए तो क्या कहते हैं? भिखारी है। और अमीरों के छोटे होते चले जाए तो फैशन है। आप अपनी आयु सीमा घटा रहे हो। प्रैक्टिकली साइंटिफिक रीजन आप देख लेना। आपके घर में, मेरे घर में 80 साल की अगर कोई माता जी है, या इस भीड़ में देख लेना, तो उनके चेहरे का वो जो देख लेना जरा, चमकता है। और आज वाले 27 साल की बहन जी का चेहरा देख लेना जरा, रीड करो ना, साइंटिफिक बात है। क्योंकि वो माताएं यहां क्या लगाती हैं? सिंदूर। यहां क्या लगाते हैं हम? सिंदूर। सिंदूर में क्या होता है? मरकरी। सिंदूर में क्या है? मरकरी। विवाह के बाद मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कहें, जिसे लोग जीवन का आनंद कहते हैं, बढ़ जाते हैं। मस्तक पे जब स्त्री सिंदूर लगाती है तो उसका फेस ग्लो जनरेट हो जाता है, उससे पेशेंस मिलता है, उससे रिलैक्स होती है, चेहरे का तेज आ जाता। अब तो भैया टाइम आ गया साइड मार्कर का, आप रहते नहीं थे, यहाँ लाओ था लोग सिंदूर। और दूसरा प्रमाण, एक दिन मां जानकी ने मस्तक पे सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी का आगमन हुआ, बोले मैया सिंदूर क्यों लगा रही है? बोले सिंदूर लगाने से मेरे पति आपके स्वामी की उम्र बढ़ जाती है। हनुमान जी ने बिना देर लगाए चले गए, अपने आप को लाल कर लिया पूरा। ये भाव होना चाहिए। राम दरबार में नृत्य करने लगे, राम जी ने कहा क्या लीला है हनुमत? बोले बस मैया का आदेश, मैया के स्वरूप को देख के मैंने भी कुछ किया। बोले क्या? बोले जानकी माता ने कहा, मेरी मैया ने, कि इतना सिंदूर 2.5 इंच में लगाते हैं तो प्रभु की उम्र बढ़ जाती है। तो मैंने कहा आप उनके स्वामी हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप जगत के स्वामी हैं। अगर माँ के लगाने से इतना तो मैं पूरा लाल हो जाऊं जिससे मेरी उम्र लग जाए। मस्तक पे बिंदी लगाना ये हमारी परंपरा है कि नहीं? हा? अब तो बाल कटवाना फैशन हो गया। द्रौपदी ने एक बार बाल खोला तो महाभारत हो गया भाई जी। अब हम क्या कहें? अभी 8 दिन और रहना आपके पास। अच्छा एक बात है, जीवन में 4 चीजें नहीं रुकती हैं। पीपल का पान पत्ता, आपने हमारे मराठी में पान बोलते हैं, तुम्हारा त्यां पर पानस कहवाए एम। पीपल का पान
समय का चक्र, घोड़े का कान, सोएगा जगेगा हिलता रहेगा ऐसे ऐसे, और आखिरी में हमारी माता की जुबान भी नहीं रुकती है। महाराजा द्रुपद के दरबार में स्वयंवर हो रहा है, नीचे जलते हुए कड़ाह में देखना है, ऊपर मछली के नेत्र को भेदना है। अब दुर्योधन का पैर फिसल गया तो मेरी माँ को क्या गरज थी बोलने की कि अंधे को अंधे पैदा होते। इसलिए मौनम सर्वत्र साधनम, बोलो पहले तोलो फिर बोलो। यहां पर देखिए धुंधकारी की उत्पत्ति का कारण धुंधली ही तो है। आत्मदेव ने सांसारिक प्रक्रियाओं से सन्यासी को घेर लिया, तेरे पास क्या है और मेरे पास क्या है, एक ही चीज है भाई, संसार। और उसमें संसारी कुछ भी खो जाने पे रोज रोता है और सन्यासी का सब कुछ लूट जाए मौज में सोता, ये अंतर है महाराज। उसका कुछ है ही नहीं, वो पहले से मान लेता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अंततो गत्वा निवेदन किया आत्मदेव ने, कहा कि महाराज आप योगी हैं, आप ऋषि हैं, आप चाहें तो वो कर सकते हैं जो भगवंत नहीं कर सकते। संत तो वो कर दे जो भगवंत नहीं कर सकता। अब इनके सामने, एक संत के सामने कोई आत्महत्या करे तो उचित नहीं है। अब अपने तप के बल को दिया गया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको संतान देंगे। सन्यासी ने त्रिकाल भाव होकर के ऐसे ध्यान लगाया और कह दिया सप्त जन्म अवधि आह। देखिए कितना बड़ा हटकर बैठते जो संभव नहीं है। सप्त जन्म अवधि तव पुत्रो नैव 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 च। आत्मदेव सात जन्मों तक आपके जीवन में पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं। और अगर आप कह रहे हो कि मैं मेरे तेज बल से दूं तो पुत्र तो मिल जाएगा। संततः सगरो दुखम वपांगाम तथा रेमुंचाय कुटुंब नासा। रे मुक्चाय कुटुंबासा सन्यासेन सर्वदा सुख। आत्मदेव आपके सात जन्म तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। आप चाहोगे तो पुत्र मिलेगा लेकिन पुत्र का सुख असंभव। पर नहीं, आत्मदेव की बातों को देखा और हठ में आत्मदेव ने कहा कि अब सुनिए महाराज, विवेकेन भवेक्ति में पुत्रम देहि वलदा अपि। आप किसी भी तरीके से मुझे पुत्र दें। और यति ने ध्यान किया, तप किया, बल के तप के बल से एक फल दिया है और कहा ले जाओ, अपनी अर्धांगनी को खिला देना, उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। हर्षित हो गए, पुलकित हो गए, उत्तेजित होकर अपने गृह की ओर चल पड़े और प्रभु का बार बार आभार प्रकट करते हुए चले जा रहे हैं। मन में हरि चिंतन कर रहे हैं। मुख्य द्वार पर जाते हैं। महाराज, पुरुष का कर्म है वस्तु को लाना और संजो के रखना, मात्र शक्ति का काम है। घर की नारी शक्ति जागृत हो जाए तो भक्ति के साथ साथ अपने पति को शक्ति भी प्रदान करवाती है। सीखें आप तुलसी से। ये तुलसी
पूर्व जन्म में सम्राट जालंधर की पत्नी वृंदा है। वृंदा है जिसके वजह से उसके पति के कई बार प्राण बचे। अंत में उसने योगाग्नि से स्वयं को जलाया और कहा, प्रभु दोष तो मेरे पति का है, मुझ में क्या है? मैंने तो त्याग किया है, मुझ में वो सतीत्व है, मैंने परित्याग किया है, मेरा क्या? और भगवान श्री हरि ने आकर के उसके रथ को, उसके योगाग्नि से जले हुए शरीर के भस्म को मस्तक पे लगाया और कहा, अरे वृंदा तेरा ये त्याग सदैव अमर होगा। मेरे दोनों अवतारों में, रामा अवतार में और कृष्ण अवतार में, तेरे पत्ते के बिना भोग स्वीकार नहीं होगा। आज तेरा पति गया है, लेकिन मैं स्वयं शालिग्राम बन करके तुझसे विवाह करूंगा। ये एक सती की ताकत है। ये वही वृंदा है जिसके नाम से वृंदावन है। ये वही वृंदा है जिसे हम तुलसी मानकर पूजते हैं। आयुर्वेद के आधार से 12 प्रकार की तुलसी बनी जाती है, क्योंकि आयुर्वेदा में 4 प्रकार की वनस्पतियां हैं, आरोग्य वनस्पति, नवग्रह वनस्पति, तंत्र वनस्पति और देव वनस्पति। जैसे केला है ना, ये देव वनस्पति में भी है और नवग्रह वनस्पतियों में भी गिना जाता है। भगवान विष्णु की उपासना भी इससे की जाती है। और नवग्रह इसलिए कि अगर किसी का गुरु निम्न भाव में है, ज्योतिषी ने कहा है पुखराज पहनना, अगर उसके पास वो व्यवस्था नहीं है तो मूल नक्षत्र में जा करके उसकी जड़ को निकाल के लाता है, और अगर धारण करता है तो उसको वही फल मिलता है जो पुष्कराज से मिलता है। सर्व सुरक्षा, जैसे बेल का पत्ता है, इसमें कभी रस नहीं निकलता, रगड़ के देख लेना आप लोग, बेल के पत्ते में कभी रस नहीं निकलता, और जिस दिन निकल जाए मिट्टी डाल देना, सोना बन जाएगा। बेल की जड़ निकाली जाती है एक तिथि में, उसकी उपासना करके अगर किसी को दे दिया जाए तो पूरे जीवन चतुर्थ संपदाओं का आनंद भोगता है। लेकिन दशांश दान की व्यवस्था उसको रखनी ही होती है, जिस दिन वो गड़बड़ हो गया सब गड़बड़ हो जाए। मिल गया है फल लेकर के आत्मदेव अपने घर पहुंचते हैं और प्रभु का आभार करते हैं, हरि संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। आप भी चंपल करें, पुनः कथा के रोचक तक। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरिहर Hari Hari Bol, 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 Hari Hari B
संकीर्तन में खो जाएं। आत्मदेव अपने घर आए, अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं, कि मुझे आज किसी सन्यासी के कारण मैं लौट के आया हूं। ऐ प्रियतमा, पुत्र के विरह में मैं तो आत्महत्या करने चला था, लेकिन एक यति से मेरा संपर्क हुआ और यति ने कहा, तस्या ग्रहम समलोक्यम फलमेकम सदत्तवान इदम भच्छय पाल्यातम ततः पुत्रो भविष्यति। उन्होंने मुझे एक प्रसाद रूपी फल दिया और कहा, ले जाओ, अपनी पत्नी को ग्रहण करा देना, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी ने ले लिया, माफ करना, कुछ चीजें जहां बैठे हैं सत्य बोलना ही पड़ता है, किसी को बुरा लगे नहीं। स्त्रियों की जो श्रृंखला है उसमें हमारे व्याकरण ने 9 प्रकार से परिभाषित किया है, कुल कलंकनी, कुलटा, कामिनी, गजगामिनी, जीवन संगिनी, अर्धांगिनी, कुलतारिणी। स्त्री एक है, स्वरूप अनेक, जैसे एक ही देवी है 108 स्वरूपों में विराजित है, आवश्यकता पड़ने पर जगह जगह पर अनेक रूप लेती चली गए। हमारे 51 पीठ देवियों के माने गए। शिव ने जब सती का सब हाथ में लेके भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने चक्र से उसके शरीर को छिन्न किया था, खिन्न किया था, टुकड़े किए थे, और वो अंग जहां जहां पहुंचे वहां वहां पर देवियों की स्थापना हुई। कमरू कामाख्या आसाम में माता जी की योनि की उपासना है। आप लोग बड़भागी हैं, आपके क्षेत्र में जो अंबा जी मानते हैं ना, यहाँ वो माँ भगवती का वक्ष स्थल गिरा हुआ है, ये वेदों में प्रमाणित है। इसलिए ऐसे यहाँ के लोगों को ज्ञान होगा, दादा नजदीक रहते हैं, कि जब इसका भी अभिषेक या कुछ किया जाएगा तो नेत्रों पे पट्टी बांध कर की जाती है, प्रमाण ये है। बाकी परंपरा अलग अलग होती है। और हमारे यहाँ की भारतीय शक्ति देवियों की शक्ति का कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कामाख्या मंदिर में गुवाहाटी में माता जी की योनि है, जहाँ एक तिथि पर मासिक धर्म होता है, अभी भी हैं तंत्र की देवी मानी।